Next problem, a comprehension say, a cylindrical conductor has uniform cross-section. Resistivity of its material increases linearly from left to right. Linearly from left to right. So, ye resistivity increases linearly. This rho is increased linearly from left to right. If a constant current is flowing through it and at a section distance x from left end, the case mein I constant hai, I is equal to constant, or left end say, is left end say x distance per, is left end say x distance per. If a constant current is flowing through it and at a section distance x from left end, magnitude of electric field intensity is E. Yahan par magnitude of electric field intensity E hai. Then left end of the conductor is maintained at zero potential. Yahan ka left end ka potential zero hai. Or and right end plus V naught. Aur yahan ka potential hai plus V naught. Potential is if at distance x from the left end, the potential is equal to V. यहाँ जहाँ electric field E है, यहाँ पर potential है V. यहाँ से left end से distance पर potential है V, and generation of heat per unit length is H. और heat generation is H, right? ये yeah. Then question number one, the graph between electric field E and distance from one end x is best represented by. ये graph दिए हुए हैं, तो हमको ये बताना है कि ये which graph is correct. E versus x में graph दिया गया है, right? अब ये देखिए, ये दिया है कि rho is linearly varying, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि rho at any distance x, this is rho naught plus, कुछ भी ले सकते हैं, alpha x linearly vary कर रहा है, तो मान लेते हैं कि this is rho x is equal to rho naught plus alpha x, right? तो देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और x में ग्राफ है, तो हमको करना होगा क्या होता है? हम जानते हैं कि वेक्टर E is equal to of rho into j, rho into j, right? और j को हम लिख सकते हैं कि this is, देखिए, rho x, x distance पर यहाँ की हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर E है, तो E will be equal to, देखिए, rho x ये क्या हो जाएगा, this is rho naught plus alpha x, और ये कितना हो जाएगा I by A. देखिए I constant है और cross section area भी constant है, इसका I constant है, cross section area भी constant है, तो हम कह सकते हैं कि E is equal to कितना हो जाएगा rho naught I by A plus ये कितना हो जाएगा rho naught alpha I by A x. यानी इसको ये हम कहें कि y is equal to, देखिए ये y is equal to कितना हो गया c plus mx, right? y is equal to ये हो गया c, ये पॉजिटिव है, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो obviously एक ऐसा ही स्ट्रेट लाइन हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इंक्रीजिंग हुआ और इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये तो y is equal to mx है. अगर ये पार्ट में rho naught i by a नहीं रहता तो ये हो जाता, बाकी ये तो होंगे नहीं, स्ट्रेट लाइन ही होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नाउ दिस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? अब चलिए, नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट. अब देखिए v दिया हुआ है, v वर्सेस x दिया हुआ है, राइट? तो हम जानते हैं कि देखिए अब E के लिए एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, E के लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, तो V के लिए हम बात करते हैं, V कितना होगा हमारा, V will be equal to, यहाँ पर का पोटेंशियल अगर V है एक डिस्टेंस पर, तो this V will be equal to I into R, और I हो गया, R कितना हो जाएगा, rho x को हम लिख सकते हैं rho naught plus alpha x, ये rho का वैल्यू हो गया,
रो और एक लेंथ कितना हो गया, लेंथ इज डी एक्स डिवाइडेड बाई ए। अगर मान लीजिए हम कोई ए एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं यहां पर, अगर इस तरह का कोई एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब एक्स डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स। तो अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर, और ये तो डी आर हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए कॉन्स्टेंट पार्ट को बाहर निकाल दीजिए, दिस इज आई बाई ए, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए अगर इंटीग्रेट करें तो रो नॉट इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रो नॉट एक्स, राइट। और ये कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स का अल्फा बाई ए है, आई बाई ए तो निकाल दिए, तो दिस इज प्लस अल्फा इंटू, ये कितना हो, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो दिस इज हाफ। अभी देखिए आई बाई ए हाफ, तो ये क्या हो गया, नाउ वी एक्स कर्व देखिए, ये स्क्वायर टाइप्स है, ये जनरल पैराबोला हुआ, तो वी एक्स कर्व इज ए पैराबोला, ठीक है, और सिमेट्रिकल टू वी एक्सिस होता है। तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, वी और एक्स, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी। नाउ देखिए ये पैराबोला थ्रू ओरिजिन है, एक्स जीरो होने से वी जीरो हो जाएगा, और ये पैराबोला थोड़ा सा ऊपर है इसलिए सी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, क्योंकि एक्स को जीरो पुट करने पर, देखिए एक्स को जीरो पुट करने पर ये ओरिजिन से पास कर रहा है, वी जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये ओरिजिन से पास करेगा और ये ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, राइट। नाउ कम टू थर्ड प्रॉब्लम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज आर करेक्ट, एच ये क्या है, हीट जनरेटेड पर यूनिट लेंथ वर्सेस एक्स, हीट जनरेटेड पर यूनिट लेंथ वर्सेस एक्स, और हीट जनरेटेड पर यूनिट लेंथ वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों का है। तो आइए देखिए हीट जनरेटेड पर यूनिट, हीट जनरेटेड पर यूनिट लेंथ, सबसे पहले हम हीट जनरेटेड की बात करेंगे, हीट जनरेटेड एच कितना हो जाएगा, ये हीट जनरेटेड पर यूनिट लेंथ, और इसी को हम एच कहते हैं। तो एच कितना हो जाएगा, देखिए एच विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, राइट, तो दिस विल बी आई स्क्वायर, करंट हो गया आई स्क्वायर, और आर कितना हो जाएगा, रो एक्स, आर कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज रो एल बाई ए, और देखिए ये तो एल लेंथ पर हुआ, और यहां पर क्या है, एल वन है, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई ए, रो इंटू वन बाई ए, तो आई स्क्वायर रो ए, और इसलिए हम ये कहेंगे आई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो यहां से क्या मिल गया कि ए चीज प्रोपोर्शनल टू क्या, रो ए प्रोपोर्शनल टू रो, और रो कैसा है, रो नॉट प्लस अल्फा एक्स, तो ए प्रोपोर्शनल टू रो नॉट प्लस अल्फा होगी, तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, और देखिए ये इंटरसेप्ट क्या होगा, ओरिजिन से नहीं होगा, दिस इंटरसेप्ट ओरिजिन से नहीं होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, देखिए ये ओरिजिन से है, ये ओरिजिन को नहीं टच कर रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ए। और सेकेंडली देखिए हम जानते हैं कि ई प्रोपोर्शनल टू, ई प्रोपोर्शनल टू कितना, आपको ये किया है कि दिस विल बी ई प्रोपोर्शनल टू आई नॉट प्लस अल्फा एक्स, सॉरी ए चीज प्रोपोर्शनल टू, यहां पर हमने दिया है कि ई प्रोपोर्शनल टू आई नॉट प्लस अल्फा एक्स, दिस इज आई नॉट प्लस अल्फा एक्स, राइट, और एक तो एच क्या हो गया, एच इज प्रोपोर्शनल टू ई हो गया, एच प्रोपोर्शनल टू ई, तो देयरफॉर एच ई ग्राफ क्या हो गया, एच वर्सेस ई ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, राइट, दिस एच ई ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। और ये देखिए एच ई ग्राफ, एच और ई ग्राफ है, एक ही ग्राफ ही है इसमें,
H और X है, H और E है, ये तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राइट। तो इसमें दो ऑप्शन हो गए, एक A और D। ओके, थैंक यू।